गुड इवनिंग स्टूडेंट। सो टुडे वी हैव द इनफाइनाइट सीरीज का हमारा जो दूसरा वीडियो है एंड इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द कंपैरिजन टेस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ रियल एनालिसिस। द कंपैरिजन टेस्ट इनफाइनाइट सीरीज का एक सब पार्ट है कि कंपैरिजन टेस्ट। तो क्या होता है कंपैरिजन टेस्ट, क्या है, पहले आप इसका स्टेटमेंट जानिए। कंपैरिजन टेस्ट कहता क्या है कि इफ यू हैव summation u n and v n two infinite positive term series you have, okay? आपके पास u n और v n जो है दो positive term series हैं, so what you have to do, आपने दोनों series का ratio निकाला, that is limit n tends to infinity u n upon v n, and then if you will get l which is finite and non-zero, क्या होना चाहिए, l को finite होना चाहिए and that is non-zero, so now then you can predict that कि either both the series are convergent और both the series are divergent, या तो दोनों series convergent होंगी या दोनों series क्या होंगी guys, divergent होंगी। so the process किस तरीके से हम करेंगे, कैसे हम check करेंगे कि series convergent है divergent है, so मैं इसका पहले आपको working process बता रहा हूँ। so working process question हमारे पास है test the convergence of 1 upon 1, 2, 3, 3 upon 2, 3, 4 and 5 upon 3, 5 up to infinity, okay guys? So, first of all, the working method. So, working method suggests you first. So, step number 1. So, पहला step ये रहेगा कि आपको क्या करना है, इसकी nth term निकालनी है, आपकी इसकी nth term निकालनी है. First, you have to calculate the nth term of this series. तो वो आप निकाल लेंगे. Then second process is, then you have to find the auxiliary series. क्या निकालनी है आपको, auxiliary series निकालनी है. So auxiliary series कैसे निकालेंगे आप, तो मैं बताऊंगा आपको कि auxiliary series निकालने का तरीका क्या है. फिर आप इस auxiliary series को देखेंगे कि यार ये जो series है ये इस form में मिलेगी आपको, summation 1 upon n raised to the power p. And summation 1 upon n raised to the power p is known as the positive term series बोलते हैं इसको. क्या बोलते हैं, positive term series. If p is greater than 1, then series is convergent. Okay guys? And if p is less than equal to 1, then series is divergent. अगर p greater than 1 है तो series क्या हो जाती है, convergent हो जाती है. And if p less than equal to 1 है तो series क्या हो जाती है आपकी, divergent. So you have to decide the auxiliary series and on behalf of auxiliary series, जो auxiliary series आप decide करेंगे, अगर उस auxiliary series में p greater than 1 हुआ तो series convergent, अगर convergent हुआ तो भाई जब bn convergent होगा इस auxiliary series को आप नाम देंगे bn, क्या देंगे bn नाम देंगे, अगर आप un इसको मान रहे हैं, clear है, और उल्टा कर रहे हैं तो वो भी कर सकते हैं. Then, और अगर ये कन्वर्जेंट हुआ तो ऑब्वियसली फिर यूएन भी कन्वर्जेंट हो जाएगा, अगर ये इस टेस्ट की कंडीशंस को वेरीफाई करता है. क्लियर है गाइस? तो ये कुछ कंडीशन है और इन कंडीशंस के अंडर हम इस सीरीज को चेक करेंगे. एंड ऑल्सो यू नो दैट इसके अलावा एक प्रॉपर्टी और है, वो अभी मैं डिस्कस करता हूँ. पहले मैं आपको इसका एनएच टर्म निकाल के देता हूँ. सो फर्स्ट ऑफ ऑल द एनएच टर्म, पहले इसके लिए एनएच टर्म अगर हम निकालेंगे, so un अगर आप निकालेंगे तो nth term of इसका 1, 3, 5 एक निकलेगा, then nth term of इसका 1, 2, 3, समझ में आ रहा है, या इसको ऐसे लिखते हैं, ऐसे लिखिए आप, ऐसे ये 1, 2, 3 ऐसे आएंगे इनके, nth term of सीधा लिख रहा हूं मैं 1, 2, 3, ओके. फिर एक मिलेगा आपको nth term of 2, 3, 4 एस एस एस, और एक मिलेगा आपको nth term of 3, 4 एंड 5, ओके गाइस. 1, 2, 3 एक सीरीज आपको इनफाइनाइट जा रही है, 2, 3, 4 अप टू इनफाइनाइट जा रही है, 3, 4, 5 अप टू इनफाइनाइट जा रही है. सो नाउ दिस इज AP, यू नो दैट द nth term of AP इज, क्या होता है nth term of AP, nth term of AP का फॉर्मूला होता है tn is equal to a plus n minus 1 into d. This is first term, this is number of term and this is common difference. And common difference you can calculate the second term minus first term. So therefore a you have a 1 plus n number of terms, n ही ले रहे हैं क्योंकि nth term निकाल रहे हैं, n minus 1
एंड देन डी 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 यू हैव 3 माइनस 1 दैट इज 2 ओके गाइस यहां आएगा 1 n माइनस 1 एंड देन डी यू हैव दिस टाइम 1 यहां आएगा आपका फर्स्ट टर्म यू हैव 2 देन n माइनस 1 देन 3 माइनस 2 दैट इज 1 ओके गाइस एंड देन यू हैव 3 प्लस n माइनस 1 एंड 4 माइनस 3 अगेन यू हैव 1 ओके सो देयरफॉर यू एंड यू हैव un कितना हो जाएगा आपके पास 1 प्लस 2n माइनस 2 2n और माइनस 2 तो ये आ जाएगा आपका 2n माइनस 1 ठीक है यहां आ जाएगा 1 ये आ जाएगा n यहां 2 में ये आ जाएगा n प्लस 1 और ये आ जाएगा आपका n प्लस 2 ओके गाइस सो यू हैव नाउ un इज इक्वल टू यू हैव 2n माइनस 1 दिस इज n then n plus 1 and then n plus 2 ठीक अब आपको इसके लिए auxiliary series निकालनी है तो the way you can you are going to find the auxiliary series so auxiliary series is bn so तरीका बता देता हूं आपको auxiliary series निकालने का कि जैसे 2n minus 2 है so what you have to do कि आपको क्या करना है ये terms जो है इसके साथ ही ये हटा देंगे आप तो ये कितना बचेगा आपके पास That is ये 2n बचेगा यहाँ n यहाँ से ये 1 हटेगा that is n यहाँ से 2 हटेगा तो कितना आ जाएगा this is 2n upon ये कितना आ जाएगा that is n cube हो जाएगा कितना आ जाएगा this is n cube 2n upon n cube you have okay now this is bn we have now we want to find the ratio of limit n tends to infinity un upon bn which comparison test you have suggested mai kya suggest karta ho ki un bn ka ratio nikalo up to infinite par agar ye finite aur non zero aaya tab aap bol sakte ho ki agar bn kya hai aapke paas ye jo bn hai aapke paas this is n se n cancel ho jayega and this is 2 upon n cube ye kitna aa jayega 2 upon n cube ya is 2 ko bhi agar aapko nahi lena hai this is 2 को भी आपको नहीं लेना है 2 को भी आपको लेना है नहीं लेना है 2 को आपको 2 को लेना है नहीं लेना है तो अगर आपको नहीं भी लेना है क्योंकि ये फर्क पड़ेगा नहीं अगर ले भी लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है लेकिन आप ना भी लें तो ये कितना देगा दैट इज सिर्फ यहां से आपने जो हाईएस्ट पावर ऑफ n है दैट यू हैव टू सेलेक्ट इट ना आपको n की पावर सेलेक्ट करनी है n आपने सेलेक्ट कर दिया सो देयरफॉर दिस इज 2 इसको हटा दिया और यहां से 2 हटा दिया तो ये आ जाएगा आपके पास That is 1 upon and this is you have square. Okay guys, this is 1 upon n square you have. अब आप देखिए मैंने आपको कहा कि अब मैं इसका वो निकालूंगा That is क्या? Limit n tends to infinity un upon bn. So un you have limit n tends to infinity un un लिखेंगे आप तो 2n minus 1 upon n n plus 1 and this is n plus 2 you have okay and bn you have 1 upon n square bn you have 1 upon so this can be written as limit n tends to infinity ye upar aa jayega 2 yahan se aap n common le lijiye n common le lenge to ye aa jayega 2 minus 1 upon n yahan se n common lenge yahan se bhi n to kitne ho jayenge 3 n ho jayenge n ye ho jayega aapka 1 plus 1 upon n ओके गाइस और ये हो जाएगा आपके पास 1 प्लस 2 अपॉन n क्यों कर रहा हूं मैं n कॉमन क्योंकि इनफाइनाइट है तो इसलिए अपॉन में लाना पड़ेगा इस n से आप इस n को क्या कर देंगे ये तो un हो गया अपॉन bn bn है 1 अपॉन n स्क्वायर तो 1 अपॉन n स्क्वायर तो ये ऊपर चला जाएगा तो दिस इज n स्क्वायर ऊपर चला जाएगा तो ये n स्क्वायर n ये 3n आपके क्या हो गए कैंसिल हो गए सो नाउ यू हैव अब आपके पास क्या बचा अब आपके पास बचा है कितना बच गया आपके पास दैट इज लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी एंड नाउ यू हैव जो आपके पास बचा दिस इज 2 माइनस 1 अपॉन n एंड दिस इज यू हैव कितना आपके पास 1 प्लस 1 अपॉन n एंड दिस इज 1 plus 2 upon n ओके गाइस ये आपके पास नाउ अप्लाई द लिमिट लिमिट अप्लाई करोगे तो ये बचेगा आपके पास 2 क्योंकि 1 upon infinity कितना हो जाएगा 0 यहां बचेगा 1 1 upon infinity कितना हो जाएगा 0 यहां 1 2 तो ये कैसा है ये फाइनाइट भी है और एंड नॉन जीरो भी है फाइनाइट भी है और
नॉन जीरो, समझ में आ रहा है? ये नंबर कैसा चाहिए आपको, फाइनाइट चाहिए एज वेल एज नॉन जीरो, यानी जीरो नहीं होना चाहिए क्योंकि जीरो भी फाइनाइट होता है, तो लेकिन जीरो वाला फाइनाइट नहीं चाहिए, फाइनाइट भी चाहिए एज वेल एज नॉन जीरो। सो इट मींस व्हाट, यू फुलफिल द कंडीशन ऑफ द कंपैरिजन टेस्ट, एंड ऑन बिहाफ ऑफ कंपैरिजन टेस्ट यू कैन से दैट नाउ बोथ, वी कैन से दैट बोथ, बोथ यू एंड एंड वी एंड either convergent or divergent, या तो दोनों की दोनों convergent है या दोनों की दोनों divergent है। लेकिन आपको कैसे पता लगेगा, क्योंकि bn bn auxiliary series कितनी है आपके पास, that is 1 upon n square, now going to compare this with 1 upon np, so p this time 2 which is greater than 1, and we know that for the positive term series if p is 2 which is greater than 1 then series is convergent, so by that law this bn is convergent, ye bhi kya ho jayega convergent ho jayega, are ho jayega ki nahi ho jayega, 1 upon np hai iska yahan par 2 hai to ye series jo hai convergent ho gayi, so if this series is convergent then what we know that by comparison test both un and bn is either convergent or divergent, so if bn is convergent so this implies that un is also convergent, okay guys, so kyunki agar bn convergent hai to un ko bhi kya hona padega, convergent hona padega, so this is how we can use the comparison test to check the convergence of infinite series, okay guys, तो ये अभी इस सीरीज का दूसरा लेक्चर है, वीडियो है, आप देखते रहिए, आगे भी आपको और वीडियो मिलेंगे। अभी मैं इसमें एक चीज और ऐड कर देता हूं आपको कि नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन एक होती है, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन, सो कैन आई रफ दिस, ये भी देख लीजिए आप फटाफट, इसी में बता देता हूं आपको, नेसेसरी कंडीशन होती है कि लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी un इज इक्वल टू 0, अगर ये नेसेसरी कंडीशन है कन्वर्जेंस के लिए, पॉजिटिव टर्म सीरीज के कन्वर्जेंस के लिए दिस इज द नेसेसरी कंडीशन यू हैव, फॉर एग्जांपल ये जो सीरीज थी हमारा इसका nth टर्म क्या बना था, हमारा जो अपॉन करके बना था ये था ना nth टर्म, जैसा हमारे पास देखिए आपके पास un क्या था 2n-1 एंड n प्लस 1 एंड दिस इज n प्लस 2, ओके गाइस, तो आपने यहां से n कॉमन लिया था 2 1 n और ये तीन यहाँ एन क्यूब आ गया था 1 + 1 upon n 1 + 1 upon 1 + 2 upon n, ओके, सो n से n कैंसिल हो गया था, अब इसमें लिमिट लगाएंगे आप, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी यू एन, लिमिट लगाएंगे यहाँ आएगा 2 यहाँ आएगा 1 यहाँ आएगा 1, तो ये आ गया कितना, ये कितना हो गया दिस इज, और ये n है आपके पास कितना है दिस इज 2, ये n कितना था क्यूब था ना, एन स्क्वायर बचेगा एंड इंफिनिटी लगाएंगे तो एन टेंड्स टू इंफिनिटी तो ये अपॉन में कितना आएगा दैट इज इंफिनिटी एंड 2 अपॉन इंफिनिटी कितना आ गया दैट इज 0, तो क्या कहता है नेसेसरी कंडीशन कहती है कि अगर आपका लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी यूएन 0 है तो सीरीज कन्वर्जेंट भी हो सकती है और डायवर्जेंट भी हो सकती है, सीरीज कन्वर्जेंट भी हो सकती है और डायवर्जेंट भी हो सकती है, बट इसका जो कन्वर्स है दैट इज मोर इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये तो ठीक है कि भाई un 0 होना जरूरी है कन्वर्जेंट के लिए, लेकिन अगर लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी एंड un इज नॉट इक्वल टू 0 देन इट इज श्योर, तब ये श्योर है कि सीरीज क्या होगी डायवर्जेंट ही होगी, तब सीरीज कन्वर्जेंट नहीं हो सकती, तो आपको ये चेक करने का एक फायदा है कि जब तक ये 0 नहीं आता तब तक आप कन्वर्जेंसी के बारे में कहोगे ही नहीं, क्योंकि डायवर्जेंट हो जाएगी सीरीज अगर ये यूएन जीरो ना हुआ, अगर यूएन जीरो ना, अगर किसी भी सीरीज का पहले आप ये टेस्ट लगा दो उसमें लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी यूएन इज इक्वल टू 0, अगर 0 आ रहा है तो तब आप टेस्ट को आगे प्रोसीड करेंगे, अगर कन्वर्जेंट आ रहा होगा तो आ जाएगा, डायवर्जेंट आ रहा होगा तो आ जाएगा, लेकिन अगर यहाँ पे लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी यूएन इज नॉट इक्वल टू 0 तो तब आपको टेस्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप श्योर क्या हो कि ये सीरीज कन्वर्जेंट तो नहीं हो सकती, जिसका यूएन 0 नहीं आया वो मस्ट बी अ डायवर्जेंट सीरीज, क्लियर है, सो यही है कि ये नेसेसरी कंडीशन है बट द कन्वर्स ऑफ दिस इज नॉट ट्रू, तो नेसेसरी है तो इसलिए पूरा कंपल्शन लेटर नेसेसरी
जो कंडीशन होती है वो पूरा का पूरा रिजल्ट प्रेडिक्ट नहीं करती, सो दिस इज नेसेसरी कंडीशन, सो देयरफॉर बट द कन्वर्स इज नॉट ट्रू, बट फ्रॉम हियर वी कैन कंक्लूड दैट लिमिट n टेंड्स टू un इज नॉट इक्वल टू 0, देन इट मस्ट बी अ डायवर्जेंट सीरीज, ये जो होगी डायवर्जेंट सीरीज होगी, कन्वर्जेंट नहीं हो सकती, तो ये इसका नेसेसरी टेस्ट भी है, ये भी आप चेक करें तो आपको काफी सहूलियत मिलेगी सीरीज को चेक करने में। सो आई होप आप लोगों को समझ में भी आया होगा, पसंद भी आया होगा, प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, दोस्तों को भी बताइए और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू।